Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Vasalam Pangulam Bhayate Girin Jat Kripata Maham Bande Paramananda Madhavam Sri Guru Vinodaranam Sri Chaitanyeshwaram. Haribam, Haribam. I speak in English, Hindi, Bangla, Odia. Kyun? Hindi kyun? Ye Maharashtra hai, Marathi bolna chahiye. This is the problem is, I don't speak good Hindi. I am staying in Bengal, but Bangla is not my language also. I don't speak good Bengali. I did not study so much to speak good English. So I left Odisha for 30 years. I don't speak good Odia also. So I am a jackal of all trade, master of none. My Hindu will be so good, you have to tolerate. Mera Hindu utna acha nahi hoga. Aap log thoda sahan karna padega. Especially singular, plural, a poor linga, stree linga, sab kadbad ho jayega. Iska aap log samajh lena. Aapka dhang se. मैं तो पहले हिंदी में नहीं बोलता था तो मैं सोचा हिंदी में भूल होने से बोलने से अच्छा आस्ते आस्ते थोड़ा ठीक होगा इसलिए मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बताने के लिए तो राधाष्टमी उत्सव के लिए हम लोग आज से राधारानी के बारे में चर्चा करेंगे तो मैं बहुत आभारी हूँ गौरांग प्रभु लास्ट दो साल से मेरे को बोलते थे इधर आने के लिए लास्ट ईयर मेरा आना था मैं आ नहीं पाया तो इसलिए मैं आया मेरे को बहुत आनंद लगता है आप लोग सान्निध्य में आने से तो राधा रानी का तत्व बहुत गंभीर तत्व होता है देखिए राधा रानी के बारे में लोगों को उतना मालूम नहीं है अब ज़्यादा भी मालूम नहीं होना चाहिए ज़्यादा राधा रानी और मालूम होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम है फिर लोगों को बहुत बिल्डर हो जाता है विभ्रांत हो जाता है जब भगवान श्री कृष्ण का लीला को लोगों ने सुनते हैं वो बहुत विभ्रांत होते हैं देखिए सारा दुनिया में लोगों ने भगवान करके किसको मानते हैं निराकार भगवान है भगवान मुस्लिम लोग क्रिश्चियन लोग यहूदी लोग ऐसे भी हिंदू भी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग भगवान को निराकार करके मानते हैं तो निराकार बोलते हैं ना भगवान का सबको आसानी में समझ सकते हैं निराकार का मतलब कुछ अद्भुत है हम लोग आकार है तो भगवान निराकार बनेंगे बहुत बढ़िया तो कोई साकार भगवान का रूप है ऐसा मानते हैं तो भगवान विष्णु को ज़्यादा मानते हैं क्योंकि विष्णु को कोई देखा ही नहीं तो वो क्षीर समुद्र में सोता है चार भुजाओं है ब्लू बॉडी है समथिंग अद्भुत है ये भगवान हो सकते हैं जब राम के बारे में सुनता है कृष्ण के बारे में सुनता है अरे राम कैसा भगवान है उसको वनवास में जाने पड़ता है उनका पत्नी को कोई चोरी करके लेकर भाग जाता है और भगवान भी रोते हैं मेरा वाइफ को ले गए रोते हैं कैसा भगवान है कृष्ण का हालत तो उससे और खराब है राम को तो अभी थोड़ा भक्ति होता है कृष्ण के बारे में सुनते हैं उनका जो आचरण व्यवहार है बचपन से जैसा काम करते हैं कौन उनको माने ये भगवान है तब भी भगवान है तो ये भगवान का लीला इसलिए शास्त्र में बताए कृष्ण ने बताते हैं जन्म जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जोगिते तत्वतः मेरा जन्म और कर्म दिव्य है दिव्य का मतलब क्या है
के त्रिगुणातीत है। भगवान का दो तरीका विचार होता है, एक आपात विचार होता है कॉमन सेंस में कुछ श्रवण करना और समझना, और एक तत्व विचार होता है। परम ब्रह्म को कॉमन सेंस में समझना नहीं ठीक नहीं है, उनका तत्व से समझना चाहिए। तो राधा रानी और कृष्ण के बारे में जो लोगों ने सोचते हैं, आस्ते आस्ते बहुत लोगों ने राधा कृष्ण संपर्क को कटुक्ति करते हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं है ये राधा रानी कौन है और कृष्ण कौन है। राधा रानी तक मामूली गर्ल लड़की नहीं है, एक स्पेशल लड़की भी नहीं है, एक ये तो कोई जीव नहीं है, ये भगवान का स्वरूप शक्ति है। चैतन्य चरितामृत में राधा रानी के बारे में बताया गया, राधा कृष्ण प्रण में थोड़ा पहले फिलोसफी बताऊंगा, आई होप यू विल नॉट फील बोरिंग। फिलोसफी को थोड़ा जानकारी करना चाहिए, इसलिए मैं जो राधा रानी किताब लिखा ना, इसे पहले तीन चैप्टर में लिखा है। राधा रानी कौन है इसको हम लोग नहीं समझेंगे तो ऐसा राधा का लीला श्रवण जो करेंगे सब विभ्रांत हो जाएंगे, इसको मामूली लड़की लेके सोचेंगे। तो कृष्ण का व्यवहार क्यों ऐसा लोगों ने समझे, क्या कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, इसलिए ये दोनों कथा तात्विक विचार से हम लोग को मालूम होना चाहिए ये लोग का संपर्क क्या है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कवि को समय बताए, राधा कृष्ण प्रणय विकृति राधिनी शक्ति रस्मात् एकात्मना भूपुरा देहभेदम गतौ तो चैतन्याक्ष प्रकट मधुना तद्वयम् चैक्यमाप्तम् राधा भाव द्विति सुबलितम् नौमी कृष्ण स्वरूपम्। राधा कृष्ण प्रणय विकृति, राधा रानी कौन है, ये कृष्ण प्रेम का विकार, विकृति का मतलब विकार होता है, कृष्ण प्रेम का चरम परिणति जो रूप ग्रहण करता है वो राधा रानी है। भगवान का स्वरूप शक्ति है, जैसे हमारा इधर रजगुण सत्वगुण रजगुण तमगुण होता है, ये तीन गुणों के द्वारा हमारा कार्यकलाप से परिचालित होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ऊपर तो ये तीन गुण का प्रभाव नहीं है। तो भगवान का कार्यकलाप कैसा परिचालित होता है, उनका स्वरूप शक्ति है। ये स्वरूप शक्ति तीन तरीका होता है, ह्रादिनी शक्ति, संधिनी शक्ति और सम्मित शक्ति होता है। तो ह्रादिनी शक्ति जो शक्ति भगवान को आनंद देते हैं उसको ह्रादिनी शक्ति बोलते हैं, अल्लाह आनंद देते हैं। अब जो शक्ति के द्वारा भगवान भक्तों को भक्ति का पोषण करते हैं उसको ह्रादिनी शक्ति बोलते हैं, वो आनंददायिनी आह्लादिनी शक्ति का मूर्त विग्रह होता है श्रीमती राधा रानी। ये भगवान का अंदर में है ये शक्ति, ये स्वरूप शक्ति है। तो अंदर में इसको अमूर्त शक्ति बोलते हैं, जो शक्ति रूप धारण करते हैं इसको मूर्त बोलते हैं। ये आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी होता है, जो भगवान को नित्य काल से आनंद प्रदान करने वाला होता है। हम लोग कोई आनंद चाहते हैं तो दूसरा के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन भगवान तो आत्माराम होते हैं, वो दूसरा के ऊपर निर्भर करते नहीं, स्वयं स्वरूप से उनको आनंद प्राप्त होता है, आह्लादिनी शक्ति। और संधिनी शक्ति जो भगवान को धारण करते हैं, एवर एग्जिस्टेंशियल पोटेंशियल, जो भगवान को नित्यत्व जिससे भगवान प्राप्त होते हैं, इसको संधिन शक्ति बोलते हैं। नंद जशोदा देवकी वसुदेव उनका पिता माता, ये संधिन शक्ति का मूर्त रूप होता है। और समित शक्ति होता है जिससे भगवान को ज्ञान, भगवान सब जानकारी पाते हैं, इसको समित शक्ति बोलते हैं। तो ये राधा रानी ये प्रेम का चरम परिणत रूप होता है, जैसे हम लोग का दूध और मिल्क तो विकार ग्रस्त होकर दही होता है, दही से माखन होता है, माखन से घी होता है,
वो सब प्रेम, प्रेम का चरण चरम परिणति होता है। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, महाभाव होता है, प्रेम का चरम स्तर होता है। तो ये महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, राधारानी ये महाभाव प्रेम का मूर्त विग्रह होता है। ऐसा राधारानी एक लड़की, मामूली लड़की नहीं है, एक देवी नहीं है, एक स्पेशल लड़की भी नहीं है, ये भगवान से अभिन्न है, ये भगवान से एक है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति भादिनी सत्य सु एकात्मनावपि भूमिपुरा देह भेदम गतो तो, ये एक आत्मा है राधा और कृष्ण, अनादिकाल से दो स्वरूप में प्रकटित हुए, तो उन लोग का मिलन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि भगवान का स्वरूप शक्ति होते हैं। इसीलिए हम लोग पहले राधारण का तत्व को अच्छा से जानकारी करना चाहिए, जिस चैतन्य चरितामृत में इसका विस्तार रूप से राधारण का स्वरूप के बारे में बताया गया। और राधारण का जो प्रेम, वो प्रेम बहुत शुद्ध प्रेम होता है, वो सिर्फ भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए। तो राधारण का स्वरूप है सिर्फ कृष्ण को आनंद देने के लिए। तो इसलिए राधा कृष्ण जो लीला होता है ये भौतिक लीला नहीं है, ये दिव्य चिन्मय त्रिगुणातीत लीला होता है। भौतिक जगत में जो संपर्क होता है ये प्रकृति का गुण का प्रभाव से होता है, लेकिन राधा कृष्ण का जो संबंध वो प्रकृति का तीन गुण से सृष्टि नहीं होता है, ये परा प्रकृति चिन्मय वस्तु होता है। तो मैं अभी राधारानी का गोलोक वृंदावन में उनका आविर्भाव के बारे में बताऊंगा। गोलोक वृंदावन में राधारानी कैसे आविर्भूत हुई, राधा कृष्ण तो नित्य है, तभी उनका आविर्भाव के बारे में पुराण में वर्णन करता है। तो शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण एक बार गोलोक वृंदावन, उधर रास मंडल है, तो रास मंडल में वो एकाकी बैठे थे। तो श्रुति में बताते हैं एकाकी सन न रम्यते, एक आलन कभी आनंद उपभोग नहीं कर सकता है, आनंद करने के लिए दो चाहिए, हाँ, जिससे तुम प्यार कर सकेंगे, प्रेम कर सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण उनका अंदर में क्या है, माधुरिमा है, स्वीटनेस मधुरमा है, और भक्त का अंदर में प्रेम है। भक्त भगवान को प्रेम दे के भगवान को आनंद देते हैं, भगवान भक्त को माधुर्य का आस्वादन करा के भक्त को आनंद देते हैं। ये भक्त और भगवान के बीच में संपर्क होता है। तो एकाकी सा न रम्यते, एक आलम आप एंजॉय कर नहीं पाएंगे। तो भगवान गोलोक वृंदावन में एकाकी बैठे थे, तो उनका मन में ऐसा आया, लगा मेरे को आनंद चाहिए, आनंद करना चाहिए। तो हम लोग को भी आनंद चाहते हैं तो दूसरा के ऊपर निर्भर करने पड़ते हैं, कोई मिलेगा तो आनंद मिलेगा ना। भगवान तो आत्माराम है, वो आत्मा से रमन करते हैं, दूसरा को जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग को मन अच्छा नहीं लगता है, कुछ मिलता है तो कोई रसगुल्ला ले आता है, हाँ मन आनंद हो जाता है। क्यों, हमारा आत्माराम नहीं, हम लोग रसगुल्ला राम है। इसलिए भगवान आत्माराम, हम लोग आनंद दूसरा होता है। तो भगवान को जब इच्छा होता है मैं भी आनंद उपभोग करूँगा, तो साथ साथ भगवान का बाम अंग से एक सुंदरी देवी प्रकटित हुई, जो अल्लादीन शक्ति भगवान श्री कृष्ण के अंदर में अमूर्त रूप में है। तो भगवान का इच्छा से, उनका स्वरूप से दूसरा लड़की को बोला के नहीं ले आते, उनका स्वरूप से, स्वरूप प्रकृति शक्ति से एक मूर्त रूप धारण करके अल्लादीन शक्ति देवी रूप धारण करते हैं, 14 years old girl। तो भगवान कृष्ण जो एक मूर्ति थे, जो दो मूर्ति में प्रकटित होता है, एक राधा होता है, एकात्मनावपि भूमि पूरा देह भेदम गतो तो, एक आत्मा होने से भी पूरा काल से दो रूप धारण करके प्रकटित हुए, राधा और कृष्ण। तो उनका नाम, उनके नाम राधा क्यों रखे गए, तो रास मंडल में आविर्भूत हुई, इसलिए फर्स्ट सिलेबल रा,
तो भगवान श्री कृष्ण को देख के उनका स्वरूप क्या है ना, कृष्ण का सेवा करना। इसलिए राधारानी भगवान श्री कृष्ण का वाम अंग से आविर्भूत होने के साथ साथ तो दौड़ने लगी। दौड़ना संस्कृत में धावमाना ना, धावना से धाविता, दौड़ने लगी। कुछ पुष्प चयन करके भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल में समर्पण करने के लिए, तो रासमंडल में आविर्भूत होके धावमाना धाविता हुआ था, इसलिए राधा उनका राम रखा गया गोलक वृंदावन। और ये बोलते हैं जब इस धरती पर आविर्भूत हुई तो अनुराधा नक्षत्र में उनका आविर्भूत हुआ था, इसलिए उनका नाम राधा बोला जाता है। तो इस भूलोक में राधारानी के आविर्भाव के बारे में मैं बताऊंगा। तो भिन्न भिन्न कल्प में राधा कृष्ण तो हर युग में नहीं आता है, ब्रह्मा का एक दिन को एक कल्प बोलते हैं, और एक कल्प में 1000 बार द्वापर युग होता है। हर द्वापर में कृष्ण और राधा नहीं आता है, भगवान ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प में एक बार ही कृष्ण और राधारानी आते हैं। मैं पहले बताऊंगा क्यों राधारानी का इधर आने पड़ा। जब भगवान रामचंद्र आते हैं, जब कृष्ण आते हैं, जब गौरांग महाप्रभु आते हैं, तो एक कारण तो इस धरती पर है, जो कारण को कारण के लिए भगवान को आने पड़ता है, और एक कारण भी भगवान उधर रचाते हैं जिसको निमित्त करके इस धरती पर वो पधारेंगे। तो राधारानी के बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन आता है, एक बार गोलोक वृंदावन में राधारानी रासमंडल में भगवान श्री कृष्ण का सेवा करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण का सेवा करने के समय उनको इतना आनंद आया तो वो मूर्छा हो गए, संज्ञाहीन हो गए। तो मूर्छा हो गई तो कृष्ण उधर से भाग गए, किधर उधर से जाके बीरजा का कुंज पर बीरजा से सेवा लेने के लिए और एक दूसरा गोपी थी उनके पास गए। तो राधारानी का जब ज्ञान आया तो राधारानी तब वो ढूंढने लगी कृष्ण किधर गए, तो गोपियों सखियों ने बताया कृष्ण बीरजा का कुंज पर गए। तो राधारानी को बहुत गुस्सा आ गया, वो कैसा बीरजा कुंज पर चला गए मेरा अनुमति का बगैर, मैं जाके देखूंगी कैसा बीरजा उनका सेवा करती है। तो राधारानी को गुस्सा करके एक लाठी हाथ में पकड़े और एक उनका बहुत बड़ा चारियट रथ है, बहुत बड़ा रथ है, और सब उनका सखियों को बताए तुम सब रथ में उठाओ। राधारानी को कितना सखी उधर सेवा करते मालूम है, 630 crores, 630 करोड़ सखी उनको सेवा में सहायता करते भगवान का सेवा करने के लिए। और वो चैरियट रथ इतना बड़ा था तो सब सखियों ने वो चैरियट पर चढ़े, उसका वर्णन आता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। वो चैरियट का अंदर में बहुत बड़ा प्रसाद भी है, लेक भी है, बगीचा भी है, सब कुछ उसके अंदर में है। तो चैरियट लेके राधारानी हाथ में लाठी लेके बीरजा का कुंज पर गए। तो जब बीरजा का कुंज पर गए, राधा रानी को एक बीरजा को लेकर कृष्ण कुंज के अंदर में गए थे, और कृष्ण सुदाम श्रीदाम को बोले थे तुम दरवाजे पर बैठो, कोई आएगा तो अंदर में नहीं जाने देना। तो राधारानी उधर पहुंच गई तो देखा श्रीदाम उधर है, बोले श्रीदाम तुम्हारा बंधु कृष्ण किधर है। तो श्रीदाम बोला मेरे को मालूम नहीं किधर है, तो इस कुंज में है ना, नहीं कुंज में नहीं। तो राधारानी बोला ठीक है मैं जाकर अंदर में देखूंगा। तो अब श्रीदाम ने सोचा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, कृष्ण तो अंदर में बीरजा देवी के साथ में है। तो श्रीदाम ने बताया नहीं श्रीदाम बहुत पहलवान है लोग, हाँ नहीं तुमको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो दरवाजा बंद करके रखा है। तो श्रीदाम तो एक है क्या करेगा, राधारानी का 630 crore सखी है। तो राधारानी बताया ये लो इसका केयर करो, क्या इसको उठा कर लाओ, सब मिल के उसको उठा कर एक साइड पर रख दिए। तो राधारानी अंदर जाने लगे। तो इसमें क्यों ना अंदर से बीरजा और कृष्ण सुनते हैं राधारानी आ गई और उधर कुछ गड़बड़ है अभी। तो इससे जब बीरजा के मालूम हुआ राधारानी आ गई
तो बिरजादेवन इतना डर गई, वो उधर डर के एकदम पानी बन गई, नदी बन गई, बिरजा नदी बन गई। पहले कृष्ण अंतर्धान हो गए, राधारानी की जब आ सुना ना, वो पहले अंतर्धान हो गए, और बिरजा कृष्ण भी अंतर्धान हो गए, वो डर से वो पानी बन गए। तो राधारानी जब अंदर गए गई तो कृष्ण नहीं और बिरजा भी नहीं। तक महाराज ने बताते थे राधारानी बहुत वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, उनको एस्ट्रोलॉजी अच्छा मालूम है। तो एस्ट्रोलॉजी करके देखे किधर गए दोनों, तो उनको मालूम पड़ा तो उधर एक बिरजा नदी बन गई और कृष्ण के सर्प रूप में, सर्प स्नेक है, उसका अंदर में घुस के बैठा है। तो राधारानी ने सोचा हो तुम उधर है ठीक है। तो राधारानी एक पिकक मोर का रूप धारण करके, मोरी का रूप धारण करके उधर बैठे, कि मोर सांप को पकड़ते हैं ना सर्प को, तुम जब निकलेंगे मैं तुमको पकड़ूंगा। तो महाराज ने बताया इसीलिए गोलोक वृंदावन में राधारानी पिकक रूप धारण किए थे। हम लोग जब बंगाल में गांव गांव में प्रचार करके जाते हैं ना, हम लोग क्लास देने के बाद तो गांव का कोई बुड्ढा बुड्ढे बुड्ढे आदमी आएंगे, अच्छा तो महाराज हमारा एक प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है? तो वो लोग पूछे अच्छा बताया तो कृष्ण क्यों मयूर पंख धारण करते हैं सर पर, मेरे को तो आगे अच्छे से मालूम नहीं था। तो मैं उत्तर देता था अरे मयूर पंख धारण नहीं करके और क्रो का पंख धारण करेंगे, कौवा का पंख धारण करेंगे, मयूर पंख देखने के लिए अच्छा लगता है, कौवा का पंख धारण करेंगे, भगवान तो सब अच्छा ही धारण करेंगे, ऐसा बोलता था। बाद में मालूम हुआ जो राधारानी मयूर का रूप धारण कर रही थी, इसीलिए कृष्ण उनको बहुत प्यार, हाँ मयूर पंख धारण करते। तो राधारानी फिर वापस आ गए, तो वापस आने के बाद कृष्ण उधर से निकल के तो उनका रूप धारण करके फिर आए, साथ में श्रीदाम भी था। तो राधारानी बहुत गुस्सा करके सखियों को बता दी इस बार कृष्ण आएगा तो अंदर घुसने नहीं जा कुंज में। तो ललिता विशाखा सबसे खारे ठहरे थे, तो कृष्ण और सुदामा के साथ गए तो सखियों ने अंदर जाने नहीं दिया, तो बहुत तिरस्कार करते थे, कृष्ण को बहुत डांटते थे, तुम ऐसा क्या वैसा क्या तुम अंदर नहीं जा पाएंगे। तो कृष्ण बहुत उनको मिन्नत करके बताए नहीं मेरा थोड़ा अंदर जाने दो। तो सखियों ने जाके राधारानी को समझा, राधा बहुत गुस्सा करते थे, अंदर नहीं तुम परमिशन नहीं है। तो सखियों ने बताया ठीक है कृष्ण तुम्हें काम करो, अभी तो राधारानी बहुत गुस्सा कि तुम एक पास एक कमरा में बैठो उधर अपेक्षा करो, हम समझाएंगे वो शांत हो जाएगी तब तुमको बुला के ले आएंगे। तो श्रीदाम ये सब देखते थे देखता था और श्रीदाम बहुत गुस्सा किया, अरे तुम इतना बड़ी बन गई, हाँ मेरा बंधु को कृष्ण भगवान है इसको ऐसे डांटते हो, ऐसा तुम उसे इतना क्या करते हैं सताते हो, तो मैं तुमको अभिशाप देता हूँ। श्रीदाम अभिशाप दे दिया, हाँ पहले राधारानी ने अभिशाप भी दिया, राधारानी बोला देखो पहले शिव सुधा श्रीदाम बोला तुम कृष्ण कैसे सताते हो, तो थोड़ा तुम्हारा विरह भाव सह नहीं कर पाते हो, तो मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, तुमको तुम धरती पर जाओगे और उधर गोपी होकर रहेंगे, अब तुम 100 साल कृष्ण का विरह तुमको भोग करना पड़ेगा 100 साल के लिए। तो वो अभिशाप प्राप्त होकर राधारानी को इधर आने पड़ा। और राधारानी भी बताया श्रीदाम को अरे तुम असुर जैसा ऐसा काम करते हो, बात बोलते हो, तुम माँ का पक्ष नहीं लेते शहर से बाप का पक्ष लेते हो, तो मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, श्राप श्राप देता हूँ, तुम असुर जन्म में जन्म लाभ करेंगे। तो इसलिए श्रीदाम वो शंखचूड़ होकर जन्म लाभ किया। तभी आपका मन में प्रश्न आएगा तो गोलोक वृंदावन में लोग घुसा करते हैं ऐसा, गोलोक वृंदावन में भी श्राप श्राप देते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन में जो घुसा आता है ना ये रजोगुण तमोगुण से नहीं होता है, ये भगवान का सेवा को बढ़ाने के लिए। तो राधारानी श्रीदाम दोनों परस्पर को श्राप देने के बाद तो बहुत दुखी हो गए, ओ हम लोग क्यों ऐसा किए। तो दोनों ने फिर भगवान कृष्ण के पास गए ताकि सब बताए ऐसा हुआ। कृष्ण हंसने लगे बोले देखो तुम्हारा कोई भूल नहीं है, मैं अभी धरती पर जाकर लीला विलास करूँगा, इसलिए मैं कारण रचाया इधर तब धरती पर जाने के लिए। ते भगवान गोलोक वृंदावन में राधारानी का आविर्भाव और क्यों इस धरती पर आए शास्त्र में ऐसा बताया गया।
तो मैं अभी बताऊंगा राधारानी का आविर्भाव, इस भौतिक भूलोक में राधारानी का कैसा आविर्भाव हुआ। तो आप लोग को तो ये मालूम है राधारानी का आविर्भाव, सबको मालूम है कैसा विश्वभानु राजा ने नहाने के लिए गए थे नदी पर, और एक अच्छा कमल पुष्प का कुपुष्पा के उनका शरीर में लगा। तो जब पुष्प को उठाने लगे तो अंदर में एक कन्या को दर्शन की, वो राधारानी थी। तो ललित माधव में राधारानी का आविर्भाव के बारे में ऐसा एक विषय रूप गोस्वामी ने वर्णना करते हैं। तो एक बार विंध्य पर्वत ने ब्रह्मा जी का उपासना करने लगे, तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए कोशिश की। तो जब ब्रह्मा जी आके साक्षात उनका सामने में आविर्भूत हो गए, तो विंध्य पर्वत को बताए, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी तपस्या में, तुमको क्या वर मांगना तुम मांगो। तो विंध्य ने बोला, ब्रह्मा जी आप मेरा पर खुश है तो मेरे को एक कन्या दान कर दीजिए, मेरे को ये वरदान दीजिए, मैं कन्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने बताया, तुम कन्या क्यों मांगते हो, सब लोगों ने तो पुत्र मेरा प्रार्थना करते हो, तुम कन्या क्यों मांगते हो। तो विंध्य पर्वत ने बताया, देखो मैं क्यों कन्या मांगता हूँ, तो हिमालय है वो तो एक पर्वत है, विंध्य भी एक पर्वत है, तो हिमालय उनका एक कन्या है। कौन है हिमालय का कन्या? पार्वती। तो हिमालय का कन्या पार्वती जो शिव को वर रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए हिमालय का बहुत गर्व अहंकार है। तो मैं चाहता हूँ एक कन्या जो ऐसा वर प्राप्त होगा जो शिव को भी युद्ध में हरा पाएंगे, हरा सकेंगे, ऐसा कन्या वर दीजिए, मेरे को ऐसा एक कन्या प्राप्त होगा जो कन्या का पति इतना बलवान शक्तिशाली होंगे तो शिव जी को भी युद्ध में परास्त कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी तो बहुत खुश थे और तथास्तु बोल दिए, ऐसा ही होगा। तो बोलने के बाद फिर ब्रह्मा जी ने सोचने लगे, अरे मैं तो वरदान दे दिया लेकिन ऐसा कौन है जो शिव को युद्ध में हरा पाएंगे। तो बहुत चिंतित हो गए, तो वरदान दे सफल होगा कैसा। तब तब ब्रह्मा जी को मन में ये याद आया, जब ये द्वापर युग है, कृष्ण भगवान आविर्भूत होंगे, तो राधा रानी को इसको कन्या रूप में प्राप्त होगी, तो कृष्ण का राधा रानी का पति कृष्ण ही युद्ध में शिव जी को हरा पाएंगे। राधा रानी तो उनका नित्य माता कीर्तिदा होते हैं, तो राधा रानी विंध्य पर्वत कन्या कैसा होगा। तब ये विंध्य पर्वत जाके ब्रह्मा जी जाके फिर राधारानी को उपासना किए, तो राधारानी खुश होके विंध्य पर्वत का पत्नी राधारानी और चंद्रावली ये दोनों ने विंध्य पर्वत का पत्नी का गर्भ से फिर आविर्भूत हुए। तो विंध्य राधारानी पहले विंध्य पर्वत का राधा चंद्रावली दोनों ने विंध्य पर्वत का पत्नी का गर्भ से आविर्भूत हुई। तो इधर कृष्ण भगवान का आविर्भाव हुआ कंस का कारागार में, पर भगवान कृष्ण आविर्भूत हो गए, वसुदेव को बताया तुम जाओ जाकर मेरे को नंद भवन में रख के माँ जशोदा का एक कन्या है तो कन्या को लेके आओ, एक्सचेंज करो, इधर रख दो और मेरे को नंद भवन में रख दो। तो वसुदेव जाके माँ जशोदा के पास कृष्ण को रख के कन्या को लेके फिर कंस का कारागार पर आ गए, आप लोग के लीला मालूम है। और कंस साथ साथ तो कन्या को लेके जब पत्थर का ऊपर फेंकने के लिए कोशिश करता था तो कन्या हाथ से छूट गई, छूट के दस भुज रूप धारण की, धारण करके कन्या ने बोलने लगे, रे मूर्ख कंस, तुम मेरे को मारने के लिए कोशिश कर रहे हो, तुमको जो मारने वाला दूसरा जगह पर जन्म ले लिया, और ये भी तुमको मालूम होना चाहिए इस धरती पर तुरंत आठ महादेवी आविर्भूत होगी, तो उनसे दो कन्या सबसे श्रेष्ठ होंगे, तो लोग मेरे से भी बहुत बड़ा है,
वो दो कन्या को जो शादी करेंगे वो शिव जी को भी हरा पाएंगे, हाँ शिव जी को पराजित कर पाएंगे। तो कौन सा सोना, ये पुत्र है और कन्या भी है, तो कौन सा बोलाया पुतना को, बोला के बताया तुम देखो जितना बच्चा है सबको मार डालो, तो कोई बच्चा में तो कृष्ण होगा ही होगा तो मार डालो, और जितना बच्चे है सबको मेरे पास ले आओ। क्योंकि ना देवी ने बताया ना एक कन्या को जो शादी करेंगे वो युद्ध में शिव जी को परास्त करेंगे। ये असुर का बुद्धि होता है ना, कौन सा किसका भक्त है, और शिव जी का भक्त है। लेकिन अभी दैववाणी हो गया कन्या जो शादी करेगा वो महापराक्रमी होगा, वो राजेंद्र बनेगा, शिव जी को परास्त कर पाएगा। तो इसलिए पुतना को बुलाया कि तुम सब कन्या को पकड़ के ले आओ। तो पुतना जाके सब पुत्र जितना पुत्र बच्चा लड़का बने थे सब मारते थे और कन्या को पकड़ कर ले आते थे कंस के पास। तो पुतना आसमान में उठ के जाता था, जाते थे। जाने के टाइम वो विंध्य पर्वत, उनका पत्नी से जो दो कन्या जन्म हुई थी राधा और चंद्रावली, तो दो कन्या को लेकर कुछ सेरेमनी करते थे अंगिना में, ब्राह्मण लोग को देके यज्ञ करते थे और दो कन्या उधर पड़ी रही थी। तो आसमान में एक पुतना उड़ते हुए जाते थे तो दो कन्या को देखे, इतना सुंदर कन्या को देख के वो दोनों को उठा ले, पकड़ लिया, पकड़ आसमान भागने लगा। जब आसमान भागने लगे तो पुरोहित ने चिल्लाने लगा, अरे हाँ विंध्य पर्वत जी तुम्हारा लड़के को लेके भागते हैं, लड़के लेके भागते हैं। तो विंध्य पर्वत ने बताया, अरे तुम लोग कुछ असुर मारण के लिए कुछ मंत्र उच्चारण करो। तो ब्राह्मण लोगों ने तो असुर को मारने के लिए कुछ मंत्र उच्चारण किए, तो मंत्र उच्चारण किए पुतना को मारने के लिए। तो पुतना तो उठ के जाते थे जो कन्या को ऐसा पकड़े थे तो कमजोरी हो जाते थे, कमजोर हो जाते थे, तो दो कन्या को पकड़ नहीं सकी। तो एक कन्या को छोड़ दी, तो जो कन्या को छोड़ दी वो विदर्भ देश में एक नदी के ऊपर गिर गई। तो विदर्भ देश का राजा भीष्मक होता है, भीष्मक राजा उसको उठा के पालन करते थे, तो वो था चंद्रावली। बाद में चंद्रावली वृंदावन में आए और दूसरा कन्या को पकड़ के, तो पुतना वृंदावन तक जब पहुंचे तब इतना कमजोर बन गए और उड़ नहीं सके तो उधर गिर गए। तो उधर से पूर्णमासी बच्ची को उठा कर लेके तो कीर्तिजा को दे थे, ये तुम्हारा कन्या रूप में पालन करो। ये भी शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, तो राधारणी का इस धरती पर ऐसा राधा और चंद्रावली का प्रकट हुआ था। और एक तरीका राधारणी का प्रकट हुआ था, तो ये जो वृषभानु होते हैं ये सूर्य भगवान होते हैं, सूर्य भगवान को भानु बोलते हैं, सूर्य को भानु बोलते हैं। तो महाभानु था वृंदावन रावल में, महाभानु करके एक गोप थे। तो महाभानु का 5 पुत्र थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। तो ये वृषभानु इस सूर्यदेव में रूप में जब थे तो भगवान के पास प्रार्थना करते, हे श्रीहरि मेरा भाग्य में कैसा ऐसा कभी ऐसा होगा मैं गोलकेश्वरी राधारानी को कन्या रूप में प्राप्त होऊंगा। तो वृषभान रूप में सूर्य भगवान जन्म लिए थे। तो वृषभानु राजा का कोई कन्या संतान नहीं थे, तो बहुत राजस्व जगह करते थे, बहुत तरह कोशिश करते थे, लेकिन कुछ भी कन्या नहीं होते थे। तब कीर्तिदा देवी वृषभानु को बताते, तुम जाओ कात्यायन का उपासना करो। कात्यायन देवी का उपासना करने से उनका करुणा, उनकी करुणा से आपको कन्या प्राप्त होगी। तो वृषभानु राजा जाके पूरा अनहार खाना पीना सब छोड़ के गिरिराज का नीचे में जमुना नदी का किनारे पर तो अनहार में रह के तपस्या करने लगे, तो कात्यायन का कृपा प्राप्त होने के लिए। तो उनको एक दिन शून्यवाणी हुआ, ओ वृषभानु तुम जब तक हरि नाम नहीं लेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, तो चित्त शुद्धि नहीं होगा, कर्ण शुद्धि नहीं होगा, तुमको कुछ भी फल नहीं मिलेगा, तुम हरि नाम मंत्र ग्रहण करो। तो वृषभानु राजा जाके
क्रतुमुनि का आश्रम था, क्रतुमुनि का आश्रम से हरिनाम ग्रहण करने के बाद तो फिर हरिनाम जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे हाउ लॉन्ग विल इट वन मोर पास्ट टाइम, हाँ छोटा पास्ट टाइम।